Hello everyone, this is Rupinder and I welcome you all at Pioneers Biology. I hope you all are okay, fine and staying at the home. Alright, let's start over today's topic. Today's topic is effects of pathogen on host plant physiology. This topic is related to plant pathology. Okay, before proceeding, I would like to discuss about certain definitions, basic definitions which are related to plant pathology. So first definition is what is pathogen. Pathogen kya cheez hoti hai? Pathogen are microorganisms which cause disease either in the plant or inside the animals. Unko hum kya bolte hain? Pathogen bolte hain. Or simply I can say disease causing microorganisms are known as pathogen. Alright. Ab aage dekhte hain hum plant physiology. Plant physiology is that branch of science that deal with the life processes. ठीक है, साइंस की वो ब्रांच जो लाइफ चलाने के लिए जो प्रोसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में या प्लांट में चल रहे हैं उसके साथ डील करे उसको बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी. ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये प्लांट पैथोलॉजी का टॉपिक है तो डिजीज़ की डेफिनेशन तो ज़रूरी है भी हमें पता हो. ठीक है, डिजीज़ प्लांट डिजीज़ इज़ एन आउटकम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन होस्ट एंड पैथोजन. तो प्लांट डिजीज़ क्या होती है? जब होस्ट के कांटेक्ट में आता है पैथोजन, ससेप्टिबल होस्ट के कांटेक्ट में आता है पैथोजन और फिर ये इसको पेनिट्रेट करता है, इसमें लोकलाइज्ड और आई कैन से रैंडम आउटकम्स दिखनी स्टार्ट होती हैं होस्ट में. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिजीज़ बोलते हैं. ठीक है, अब ये जो डिजीज़ हैं या मैं बोलूँ आउटकम है, पहले तो इनिशियली क्या होती हैं? लोकलाइज्ड होती हैं, एक ही जगह पे होती हैं जहाँ पे इंटरेक्शन हुई है होस्ट और पैथोजन की. जैसे जैसे पैथोजन अपना कॉलोनी इंक्रीज करता है इनसाइड द पैथोजन होस्ट, तो वैसे वैसे ये जो आउटकम है, सिम्टम है, ये क्या होते जाते हैं? चेंज होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं. ठीक है, और सारे पार्ट में सारे प्लांट के फिजियोलॉजिकल फंक्शन को क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? इंटरप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, चलो अब क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट रह सकते हैं ड्यूरिंग दैट इंटरेक्शन ऑफ पैथोजन एंड होस्ट, लेट्स हैव अ लुक ऑन इट. तो सबसे पहले जो रहेगा ये क्या करेंगे? टिश्यू को डिसइंटीग्रेट करेंगे. ठीक है, या क्या करेंगे? इफेक्ट ऑन ग्रोथ ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट, प्लांट की ग्रोथ को क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे, हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट कर देंगे. ठीक है, अच्छा ग्रोथ के साथ कौन सा हार्मोन रिलेटेड है? ऑक्सिन रिलेटेड है. ठीक है, तो ऑक्सिन का अगर इम्बैलेंस हो गया तो प्लांट क्या रहेगा? ड्वार्फ रहेगा. राइट, उसके बाद रिडक्शन इन फोटोसिंथेसिस. जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस इज द बेसिक प्रोसेस बाय विच प्लांट कैन प्रोड्यूस दियर फूड बाय दियर ओन राइट इनसाइड द लीफ. दैट्स व्हाई वी यूज टू से प्लांट एज अ ऑटोट्रॉप्स, बिकॉज दे कैन प्रिपेयर दियर फूड बाय दियर सेल्फ. सो जब ये इंटरेक्शन होती है पैथोजन और होस्ट की, तो क्या जो फोटोसिंथेसिस है उसका रेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है. ठीक है, और क्या कर सकते हैं? तीसरा जो एक नॉर्मल फंक्शन, चौथा जो एक फंक्शन इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए, वो है रेस्पिरेशन. अब फोटोसिंथेसिस ने तो भाई ग्लूकोज बना दिया, फूड बना दिया. ठीक है, अब उस ग्लूकोज को एनर्जी की फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या चाहिए? रेस्पिरेशन चाहिए. ग्लूकोज को एटीपी में चेंज कौन करवाता है? रेस्पिरेशन चेंज करवाता है. ठीक है, तो भाई अगर फोटोसिंथेसिस पे असर पड़ा तो ऑब्वियसली रेस्पिरेशन तो साथ ही साथ होगा. ऑलराइट, उसके बाद देखते हैं पैथोजन इन्फेक्टिंग फ्लावर इंटरफेयर विद सीड प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट. ऑब्वियसली अब देखो, आपको ये शायद पता होगा अभी, जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन इनसाइड अ फ्लावर जो ओवरी होती है वो सीड की फॉर्म में, फ्रूट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और जो अंदर ओव्यूल होता है वो सीड बन जाता है. राइट, तो पैथोजन इन्फेक्टिंग फ्लावर, जो पैथोजन फ्लावर को इन्फेक्ट करेगा तो वो फिर सीड को तो ऑब्वियसली इन्फेक्ट करेगा. ठीक है, और जो पैथोजन रूट को करेगा उससे क्या होगा? ट्रांसलोकेशन, मूवमेंट ऑफ वाटर, मिनरल्स और आई कैन से एवरी सॉल्यूट मॉलिक्यूल इनसाइड द प्लांट विल इनहिबिट. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगी? प्लांट में विल्टिंग हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? प्लांट जो है डेड हो जाएगा. ठीक है, चलो आगे देखते हैं फोलियर पैथोजन. फोलियर, फोलियर टर्म का मतलब होता है लीफ. कहीं पे भी पढ़ो आप फोलियर, फोलियर का मतलब है लीफ. ठीक है, इन्फेक्ट द पार्ट ऑफ लीफ, स्टेम, पिटियोल एंड अदर एरियर पार्ट. स्टूडेंट्स, लीफ स्टेम आपको पता है लीफ के पार्ट हैं. पिटियोल इज अ स्मॉल पेडंकल लाइक स्ट्रक्चर आई कैन से थ्रू विच लीफ इज गेटिंग अटैच विद द स्टेम. ठीक है, उसको पिटियोल बोलते हैं, या कोई भी एरियल पार्ट उसको इन्फेक्ट करेंगे. ठीक है, अब लीफ में क्या खास बात होती है? लीफ होते हैं ग्रीन. ग्रीन क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें क्या होता है? एक पिगमेंट होता है. कौन सा? क्लोरोफिल. ओके, क्लोरोफिल का और क्या काम होता है? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना है ना. दो चीज़ें हो गई, चलो देखते हैं. तो ये जो फोलियर पैथोजन है, तो अभी ये लीफ का साइज बढ़ा घटा सकते हैं. ठीक है,
उसमें क्लोरोफिल की मात्रा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं? ऑब्वियसली ज़्यादा तो नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि पैथोजन है, डिजीज़ कॉज करनी है, ज़्यादा करके तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, इन्होंने तक कुछ नुकसान करना है, तो ऑब्वियसली फिर क्या करेंगे, जो हमारे पास क्लोरोफिल है उसकी फॉर्मेशन को रिड्यूस कर देंगे, सो दैट फोटोसिंथेसिस का रेट भी क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। इफेक्ट ग्रोथ एंड ईल्ड ऑफ अ प्लांट, जो ग्रोथ है ईल्ड है उसको क्या करेंगे, ये इफेक्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या काम कर सकते हैं, ये सबसे खतरनाक काम कर सकते हैं, ये सेल बायोलॉजी चेंज कर सकते हैं प्लांट की, ठीक है। सेल बायोलॉजी कैसे चेंज कर सकते हैं, ये देखो, स्ट्राइकिंग इंक्रीज, ये मैंने पहले आपसे डिस्कस किया हुआ है क्लास में भी, प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म ने हमने एक इंटरेक्शन देखी थी। मान लो एक सेल है, ठीक है, सेल पे एक पैथोजन आया, पैथोजन ने अटैक किया, मान लो ये हमारा पैथोजन है, सेल पे अटैक किया इसने, ठीक है, तो ये सेल का साइटोप्लाज्म जो है वो क्या हो जाता है, एकदम से प्रोटोप्लाज्म एकदम से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जो सेल का न्यूक्लियस होता है वो जहाँ पे पैथोजन ने अटैक किया ना उस जगह पे मूव कर जाता है। तीसरा क्या काम होता है, जो न्यूक्लियस है होस्ट प्लांट का और पैथोजन का, ये इनमें क्या इंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। चौथा काम क्या होता है, तीसरा काम क्या होता है, जो होस्ट प्लांट का साइटोप्लाज्म है वो क्या हो जाता है, ग्रैनुलर बन जाता है, ग्रैनुलर, ठीक है। उसके बाद वो क्या डार्क कलर का बन जाता है, फिर क्या हो जाता है, ये येलो कलर चेंज, येलो कलर में चेंज हो जाता है। उसके बाद क्या है, ये जो सारे का सारा सेल है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ये सारे का सारा सेल जो है क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर ख़त्म ही हो गया ये सेल, तो अब ये पैथोजन कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, तो ये फिर प्लांट के दूसरे सेल्स को क्या नहीं कर सकता, इफेक्ट नहीं कर सकता। बट इसने एक एक रीज़न का, या मैं बोलूँ एक सेल का तो नुकसान कर दिया, तो ऐसे ही पैथोजन क्या करते हैं, इनसाइड द सेल, सेल बायोलॉजी को ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं हम कौन से फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हैं जिसपे होस्ट और पैथोजन का इंटरेक्शन का असर पड़ता है। ऑलराइट स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सिक्स फैक्टर विच आर गेटिंग इफेक्टेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ पैथोजन एंड होस्ट, ओके। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस, ओके, लेट्स मूव ऑन डायरेक्ट। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इज द बेसिक रिएक्शन विच इज अकरिंग इनसाइड द ग्रीन प्लांट ड्यू टू विच दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। एंड यू नो वेरी वेल, फोटोसिंथेसिस इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर्स आर यूज एंड गेटिंग कन्वर्टेड इंटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज बाय द एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द लीफ बाय यूजिंग क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यही बात होती है फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। एनी इंटरफेरेंस ऑफ पैथोजन विद फोटोसिंथेसिस रिजल्ट इन प्लांट डिजीज कंडीशन, ठीक है। वंस द पैथोजन इज एस्टेब्लिश्ड इन होस्ट कॉलोनी, इट रीडायरेक्ट द होस्ट न्यूट्रिएंट फॉर देयर ओन यूज। दिस कंडीशन इज नोन एज मेटाबॉलिक सिंक। देखो स्टूडेंट, ये क्या करता है, मैग्नीशियम की कमी आ जाती है कई बार, तो या फिर क्लोरोफिल नहीं बनता, ठीक है। एक तो ये काम करेगा, क्लोरोफिल नहीं बनने देगा। दूसरा काम क्या करेगा, जो प्लांट में नॉर्मल फोटोसिंथेसिस चल रहा है, जो उसका जो प्रोडक्ट है, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, दैट इज़ ग्लूकोज, ये प्लांट को नहीं यूज़ करने देता है, ये खुद को यूज़ कर देता है, खुद यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। इसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक सिंक बोलते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में मेटाबॉलिक सिंक जब होना स्टार्ट हो जाता है, तो प्लांट के लिए खुद जो न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट क्या है, स्टार्व करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं और क्या असर होता है। जैसे कि हमारे पास डिजीज़ है लीफ स्पॉट, लीफ ब्लाइट एंड अदर डिजीज इन विच देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ लीफ टिश्यू, दैट इज सीरियल रस्ट, फंगल लीफ स्पॉट, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, वायरल मोजेक, येलोइंग एंड स्टंटिंग डिजीज, और इन डिफोलिएशन फोटोसिंथेसिस इज रिड्यूस। फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। क्लोरोसिस है, नेक्रोसिस है, एंड रिड्यूस ग्रोथ यील्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। रिड्यूस अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेटिक सरफेस, जो फोटोसिंथेटिक सरफेस है, या मैं बोलूँ लीफ एरिया जो है, वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लोरोफिल की डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन, टैप टॉक्सिन है हमारे पास और टेन टॉक्सिन है, इनकी वजह से क्या है, हमारे पास क्लोरोफिल की सिंथेसिस होनी बंद हो जाएगी, ठीक है। वैस्कुलर पैथोजन रिड्यूसेस क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेसिस रेट, जो वैस्कुलर पैथोजन है वो क्या करते हैं, क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस दोनों का रेट को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। स्टोमेटा रिमेन पार्शली क्लोज, ठीक है। अभी देखो ये क्या बात रहती है, अगर स्टोमेटा फुल ओपन होगा तभी ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी, ज़्यादा वो फिक्स होगी ग्लूकोज में। अगर बाकी सब कुछ नॉर्मल है, स्टोमेटा ही नहीं पूरा खुल रहा, पार्शली ओपन हो रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या है, फोटोसिंथेसिस पे असर होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं आपको, लीफ स्पॉट ऑफ बार्ले, लीफ स्पॉट ऑफ एग प्लांट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो येलोइंग ऑफ द लीफ हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हुआ है मैग्नीशियम का, ठीक है।
तो आप ये सारा देख सकते हो, ये येलोइंग ऑफ लीफ है, यह सारा सारा प्रोसेस आप देख सकते हो अच्छे से। और राइट, आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्लांट होस्ट इंटरेक्शन ऑन रेस्पिरेशन। स्टूडेंट, रेस्पिरेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इनसाइड द प्लांट। जैसे फोटोसिंथेसिस होती है, उसका जो प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज को आगे ब्रेक डाउन करना भी प्लांट के लिए ज़रूरी है, तभी उनको एनर्जी मिलती है टू परफॉर्म दियर वेरियस बॉडी प्रोसेसेस। ठीक है, अब जो ग्लूकोज की फेट है वो दो तरह की होती है। ग्लूकोज जब बनती है तो पहले होता है ग्लाइकोलिसिस, पहला स्टेप जो है ग्लाइकोलिसिस का है, दूसरा स्टेप जो होता है वो एरोबिक या एनोरोबिक, दोनों डिपेंड करेगा। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस से क्या होगा, ग्लूकोज चेंज हो जाएगी पाइरुविक एसिड में। ठीक है, पहले स्टेप में। अब पाइरुविक एसिड इथेनॉल में चेंज हो रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड में, इट वुड डिसाइड बाय द प्लांट। ठीक है, अगर एनोरोबिक है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो पाइरुविक एसिड विल गेट चेंज इनटू द इथेनॉल। इसको हम फर्मेंटेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, एनोरोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ग्लूकोज किस में चेंज हो जाएगी, इथेनॉल में चेंज हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और साथ में एनर्जी निकलेगी। दूसरा आ गया हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए यूज किया जाता है और पाइरुविक एसिड जो है चेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी में। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है भी प्लांट कौन सा वे यूज़ करता है। ज़्यादातर प्लांट एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जाते हैं क्योंकि एनर्जी इसमें ज़्यादा है, इसमें एनर्जी का प्रोडक्शन कम होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। रेस्पिरेशन इन डिजीज प्लांट, जो डिजीज प्लांट होते हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे इफेक्ट होता है। इन्फेक्टेड प्लांट शो इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट एंड स्लाइट राइज इन टेम्परेचर। जो इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं उनमें रेस्पिरेशन का रेट इंक्रीज हो जाता है और टेम्परेचर भी अप रहता है। इफेक्टेड टिश्यू यूज अप दियर रिजर्व कार्बोहाइड्रेट फास्टर देन हेल्दी टिश्यू। स्टूडेंट, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, वो एक तो प्लांट साथ के साथ भी यूज़ कर लेते हैं, कुछ प्लांट खुद के लिए बचा के रखता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, अब जो इफेक्टेड प्लांट है वो जो उसके पास रिजर्व फूड है उसको भी ज़्यादा जल्दी यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इंक्रीज इन रेस्पिरेशन स्टार्ट्स सून आफ्टर इनोकुलेशन एंड राइज टू मैक्सिमम रेट कोइंसिडेंट विद स्पोरुलेशन ऑफ फंगल पैथोजन एंड देन डिक्लाइन टू नॉर्मल सब नॉर्मल लेवल। इसको मैं दिखाने के लिए आपके सामने एक ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। ऐसे स्टार्टिंग में क्या होता है, जो रेस्पिरेशन का रेट होता है वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है, जैसे इनोकुलेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर जब स्पोरुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, पैथोजन स्पोर बनाने शुरू कर देता है, तो इसका एकदम से अप हो जाता है। फिर जैसे जैसे टाइम लैप्स होता है वैसे वैसे ये क्या करना स्टार्ट कर देता है, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जो रेजिस्टेंट प्लांट है उनमें ये वाला जो अप है वो क्या होगा, इन द रेजिस्टेंट प्लांट रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज़ वेरी रैपिड। स्टार्टिंग में क्या हो जाता है, रेजिस्टेंट प्लांट में एकदम से बढ़ जाता है और एकदम से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, और जो टॉलरेंट प्लांट है उनमें क्या होता है, ऐसे राइज तो होता है, बाद में नीचे नहीं आता, वो हाई ही रहता है। ठीक है, चलो इंक्रीज इन प्लांट मेटाबॉलिज्म एंड प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज्ड रेस्पिरेशन हैज़ बीन नोटिस्ड इन सीरियल रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यूज, ब्लास्ट ऑफ राइस, लेट ब्लाइट एंड मैनी अदर प्लांट डिजीज। ठीक है, बहुत सारी डिजीजेज हैं जिसमें हमें रेस्पिरेशन का इफेक्ट देखने को मिलता है। आप ये याद रखोगे, पाउडरी मिल्ड्यूज में रेस्पिरेशन इनहिबिटेड है। ठीक है, लेवल ऑफ मैनी एंजाइम एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी प्रोसेस। स्टूडेंट, जो रेस्पिरेशन है उसके साथ रेस्पिरेटरी एंजाइम लिंक्ड होते हैं, तो ऑब्वियसली अगर रेस्पिरेशन को इनहिबिट करना है तो उन एंजाइम को गुदा गड़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, हमारा रेस्पिरेशन जो है इन्फेक्ट हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा, तो वही चीज़ इसमें रहती है। ठीक है, अकम्बुलेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल ऑल्सो इंक्रीज विद इंक्रीज इन रेस्पिरेशन। ठीक है, डिजीज प्लांट कैरी आउट मोर फर्मेंटेशन देन हेल्दी प्लांट्स। जो डिजीज प्लांट होते हैं उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे रेस्पिरेशन इनहिबिटेड है। चलो अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ पैथोजन ऑन अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट। स्टूडेंट, एक बात आप ध्यान में रखना, जब हम वाटर एंड न्यूट्रिएंट की बात करेंगे, मूवमेंट की बात करेंगे वाटर एंड न्यूट्रिएंट की, तब हम बात करेंगे जाइलम की। ठीक है, और जब हम फूड के ट्रांसलोकेशन की बात करेंगे, जो कहाँ पे बना है, लीफ में बना है, तो तब वहाँ पे कौन से वैस्कुलर टिश्यू की बात करेंगे, फ्लोएम की बात करेंगे। ठीक है, चलो जाइलम। वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, कहाँ से, बाय द रूट। ये वाटर और मिनरल्स क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं प्लांट के द्वारा। ठीक है, और बाद में ट्रांसलोकेटेड थ्रू स्टेम जाइलम वेसल टू वेस्कुलर बंडल ऑफ पिटियोल लीफ वेन्स देन एंटर इनटू द लीफ सेल। तो ये कैसे करते हैं, यहाँ से पानी को एब्जॉर्ब किया प्लांट ने, ठीक है, पानी को एब्जॉर्ब किया, वाटर को एब्जॉर्ब किया, ऊपर एब्जॉर्प्शन बाय रूट हेयर। ठीक है, अब उसने क्या है, जाइलम के थ्रू ये ऊपर की तरफ भेज रहा है पानी को। ठीक है, उसके साथ ही हमारे पास क्या है, ये लीफ में भी जा रहा है, लीफ में क्या हो रहा है, ये वाटर
बाहर मूव कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, इसको क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है, जैसे ही बाहर निकलेगा वैसे ही यहाँ से एब्जॉर्ब होगा। सिंपल, जैसे एक मोटर पानी वाली काम करती है, अगर वो कहीं से खींचेगी तभी बाहर निकालेगी। ठीक है, अगर हम मोटर को आगे से बंद कर दें तो वो खींचना बंद कर देती है। ठीक है, प्रेशर डालती है भी बाहर निकले, तो पहले पानी का जैसे ही वाटर लॉस होता है वैसे वैसे ही रूट्स क्या करती हैं, लगातार एब्जॉर्प्शन करती रहती हैं, जिसको हम बोलते क्या है, एसेंट ऑफ सेप बोलते हैं, एसेंट ऑफ सेप। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर इन थ्रू द वाटर कॉलम्स बाय जाइलम। ठीक है, वाटर कॉलम के थ्रू वाटर का मूवमेंट करना। ठीक है, अब जैसे वाटर लॉस होता जाएगा वैसे ही इस कॉलम में क्या, टेंशन बना रहेगा। ठीक है, वाटर कॉलम मेंटेन रहेगा और प्लांट में जो वाटर का फ्लो है या ट्रांसलोकेशन है क्या चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। ठीक है, और साइमल्टेनियसली अपटेक चलता रहेगा। ठीक है, न्यूट्रिएंट का, वाटर का। ठीक है, थ्रू द प्लांट। अब पैथोजन इंटरफेयर विद नॉर्मल ट्रांसलोकेशन प्रोसेस, ये जो पैथोजन होते हैं वो नॉर्मल ट्रांसलोकेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। वो क्या करते हैं, फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट और वाटर को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। डिजीज इन अफेक्टेड सेल या टिश्यू में डिजीज कॉज करते हैं। इनएबिलिटी टू कैरी आउट फंक्शन, जो हमारे जाइलम हैं उसमें नॉर्मल फंक्शन कैरी करने की जो एबिलिटी है उसको डिस्ट्रक्ट करते हैं। शॉर्टेज ऑफ देयर प्रोडक्ट, ठीक है, एंड डिजीज इन एंटायर प्लांट, क्योंकि ये पानी है जो मिनरल न्यूट्रिएंट है वो थ्रू आउट द प्लांट ट्रांसलोकेट हो रहे हैं, अगर वो ब्लॉक होते हैं या उनमें कुछ भी चेंज आता है तो वो फिर सारे प्लांट में देखने को मिलता है। ठीक है, पैथोजन इम्पेयर ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, रूट डैमेज होती है। ठीक है, उसमें रूट डैमेज में क्या है, डैम्पिंग ऑफ फंगी, फाइटियम स्पीसीज है या राइजोक्टीना है। ठीक है, रूट रॉट फंगी है, बैक्टीरिया, नेमेटोड्स और कुछ वायरस हैं जो क्या करते हैं, रूट डैमेज करते हैं। ठीक है, जस्ट बाय ट्रांसलोकेशन को इंटरप्ट करके। ठीक है, आप ये एग्जांपल जरूर याद रखिएगा भी कौन सी डिजीज़ कौन से फिजियोलॉजिकल फंक्शन को इंटरप्ट कर रही है। ठीक है, ये कैसे करेंगे, कॉज इनडायरेक्ट इंजरी करेंगे रूट की, या रूट हेयर प्रोडक्शन कम कर देंगे, या क्या करेंगे, परमेबिलिटी ऑफ रूट सेल को चेंज कर देंगे। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, रूट के जो रूट हेयर होते हैं उनका वाटर एब्जॉर्प्शन में सबसे ज़्यादा रोल रहता है। ठीक है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रूट रहे या रहेंगे उतना ही ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, ऑलराइट, आगे देखते हैं हम। सो जाइलम गेट डिस्ट्रॉय, या दूसरा क्या है, पहले हमने क्या देखा, रूट डैमेज करेंगे, दूसरा पैथोजन क्या कर सकते हैं, जाइलम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, कौन से पैथोजन, जाइलम को डिस्ट्रॉय करेंगे, ये वाली भी बात आप याद रखोगे। रॉट और कैंकर पैथोजन, स्क्लेरेशियम रॉल्फ्सी जो है जाइलम को डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, कैसे, गॉल फॉर्मेशन कर देगा। कौन सा एजेंट है जो गॉल फॉर्मेशन में कॉज करता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ठीक है, ऑलराइट, जाइलम गेट क्लॉग्ड, या फिर क्या करेंगे, जाइलम को क्लॉग कर देंगे, टाइलोस फॉर्मेशन हो जाती है, टाइलोस प्लग। ऐसे स्टूडेंट, ये जो हमारे पास जाइलम वेसल होती हैं उनके अराउंड जाइलम पैरेन्काइमा सेल होते हैं। ठीक है, ये जो जाइलम वेसल होती है उनमें पिट्स होती हैं, तो ये जाइलम पैरेन्काइमा है, इनमें ये आउटग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं इनसाइड द जाइलम वेसल इन द फॉर्म ऑफ प्लग, जिसको बोलते हैं टाइलोस प्लग, जिसकी वजह से यहाँ से एंट्री जो है क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी वेसल की। ठीक है, तो ऐसे थ्रू यूजिंग टाइलोस फॉर्मेशन ये क्या कर सकते हैं, जाइलम को क्लॉग कर सकते हैं। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है, आगे देख लेते हैं। ब्लाइट ऑफ पेपर बाय फाइटोपथेरा, तो इसमें भी हमारे पास ये सारा क्या है, जो हमारे वैस्कुलर बंडल हैं वो क्या हुए हैं, इंटरप्ट हुए हैं। ठीक है, चलो आगे देख लेना, ये ग्राउंड फॉर्मेशन है एग्रोबैक्टीरियम की, रूट गॉल बाय मेलेडोगाइनी स्पीसीज। ठीक है, अब मैंने बताया, क्योंकि अगर वाटर और मिनरल के ट्रांसलोकेशन की बात करोगे तो किसकी बात करोगे, जाइलम की बात करोगे। ठीक है, अगर मैंने फूड की ट्रांसपोर्टेशन की बात करनी है तो हम किसके बारे में बात करेंगे, हम फ्लोएम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फ्लोएम के कितने कंपोनेंट होते हैं, फ्लोएम के 4 कंपोनेंट होते हैं, कौन से, हमारे पास कंपेनियन सेल होते हैं, पैरेन्काइमा सेल होते हैं, सीव ट्यूब्स होती हैं और फ्लोएम फाइबर्स होती हैं, राइट। कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस इनसाइड द लीफ सेल, मूव थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा इनटू एडजॉइनिंग फ्लोएम एलिमेंट। जो हमारे पास लीफ में फूड प्रोड्यूस हुआ उसको ट्रांसलोकेट कराने का काम फ्लोएम का रहता है। फ्लोएम इज़ अ बायडायरेक्शनल टिश्यू, ये दोनों तरफ दो डायरेक्शन में काम करता है, ये अप और डाउन दोनों में करता है, बल्कि जाइलम जो है यूनिडायरेक्शनल है, ऊपर से नीचे पानी को मूव करता है, नीचे से ऊपर नहीं मूव करता। ठीक है, मूव डाउन फ्लोएम सीव ट्यूब्स। अब जो फूड बना है वो पहले तो फ्लोएम एलिमेंट में चला जाता है, फ्लोएम एलिमेंट से वो फूड जो है फ्लोएम सीव ट्यूब्स में जाता है, फिर वो मूव करता है नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स और इनटू स्टोरेज ऑर्गन्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट आर रिमूव्ड फ्रॉम सर्कुलेशन।
ठीक है, ये जो है न्यूट्रिएंट इनको सर्कुलेशन के में से रिमूव किया जाता है। ठीक है, हाउ कैन पैथोजन इम्पेयर ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम? तो फ्लोएम में क्या कर सकता है एक पैथोजन? पैथोजन अटैक एंड डिस्ट्रॉय फ्लोएम एलिमेंट इंटरफेयरिंग डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट। जो नीचे आना है लीफ में बना फूड, नीचे की तरफ जो उनका मोशन है उसको क्या कर सकता है? इंटरफेयर कर सकता है, स्टार्च कम्युलेट करानी स्टार्ट कर देगा इन द लीफ एज अ रिजल्ट ऑफ डीजनरेशन ऑफ फ्लोइम ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट, जिसकी वजह से लीफ कर्लिंग होती है वायरसेस में, वायरसेस की वजह से। ठीक है, ऑब्लिगेट फंगल पैरासाइट जैसे कि रेस्पिरेशन इंक्रीज कर देते हैं और फोटोसिंथेसिस को डिक्रीज कर देते हैं, तो फूड ऑब्वियसली बनेगा नहीं तो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। ठीक है, बहुत सारे वायरस हैं दैट कॉज लीफ कर्लिंग। ठीक है, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस एंड सम येलोइंग डिजीज कॉज डेथ ऑफ फ्लोइम। ठीक है, फ्लोइम की डेथ होने की वजह से लीफ जो होते हैं क्या हो जाते हैं? कर्ल हो जाते हैं, रोल हो जाते हैं। ठीक है, सम वायरस इनहिबिट एंजाइम दैट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू स्मॉलर ट्रांसलोकेटेबल मॉलिक्यूल। अब फूड स्टार्च की फॉर्म में नहीं, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है नीचे। ठीक है, सोर्स टू सिंक मैकेनिज्म के द्वारा। तो वो एंजाइम जो स्टार्च को ट्रांसलोकेटेबल अमाउंट में चेंज करते हैं, फॉर्म में चेंज करते हैं, उन एंजाइम की कमी आ जाती है प्लांट में। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज वायरसेस। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है हमारे प्लास ट्रांसलोकेशन इनहिबिट करता है इन द पैथोजन। ठीक है, अब बारी आती है ट्रांसपीरेशन की। ट्रांसपीरेशन मैंने आपको बताया, शुरू में बता दिया था, ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू द प्लांट एंड इट्स वेपोरेशन फ्रॉम एरियल पार्ट सच एज लीव स्टेम एंड फ्लावर्स। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन मतलब मूवमेंट ऑफ द वाटर आउटसाइड ऑफ द प्लांट, किसी भी प्लांट के पार्ट के द्वारा। ठीक है, बस गुटेशन एक अलग चीज़ है, ट्रांसपीरेशन एक अलग चीज़ है। अब इफेक्ट ऑफ पैथोजन ऑन ट्रांसपीरेशन, तो पैथोजन का क्या इफेक्ट रहेगा ट्रांसपीरेशन पे? सबसे पहले तो ये क्या करेगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ क्यूटिकल करेगा, क्यूटिकल की डिसइंटीग्रेशन करेगा, ट्रांसपीरेशन को इंक्रीज करेगा, ज़्यादा वाटर लॉस होगा प्लांट से, डिसफंक्शनिंग ऑफ परमेबिलिटी ऑफ लीफ सेल, सेल की जो परमेबिलिटी है उसको उसकी डिसफंक्शनिंग करेगा, क्लैप्स ऑफ वेसल और फॉर्मेशन ऑफ टाइलोसिस बन जाएगी, क्लॉग हो जाएगा, जो हमारी वेसल्स हैं जाइलम वेसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, पाउडरी मिल्ड्यू एपिडर्मल सेल इन्वेड बाय द फंक्शन फंगस। पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है, जो एपिडर्मल सेल होते हैं वहाँ पे क्या आ जाती है, फंगस आ जाती है। ठीक है, रस्ट हो गई या हमारे पास ब्लाइट है, तो इसमें अलग अलग तरह के फिनोमिना यूज़ करते हैं। जैसे रस्ट में क्या है, लीव सरफेस गेट एक्सपोज ड्यू टू रप्चर ऑफ एपिडर्मस एंड कॉज अनरिस्ट्रिक्टेड लॉस ऑफ वाटर। अगर लीव सरफेस ही ना रहेगी तो अनरिस्ट्रिक्टेड लॉस ऑफ वाटर रहेगा। ठीक है, ज़्यादा वाटर लॉस होगा प्लांट में, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। या फिर क्या है, ब्लाइट में क्या होगा, नंबर ऑफ एक्टिव एंड हेल्दी सेल रिड्यूस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर टू लीव्स बाय जाइलम इज रिड्यूस। तो जो हमारे पास सेल हैं वो कम हो जाएंगे और उनमें वाटर का कंटेंट भी क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द वेरियस डिजीज इन विच यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ वेरियस पैथोजन ऑन द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। ठीक है, जैसे वीट रस्ट में देख पा रहे हो, पाउडरी मिल्ड्यू में देख पा रहे हो, ठीक है, स्कैब ऑफ एप्पल में भी ट्रांसपीरेशन पे असर देख पा रहे हो, या टोमेटो लीफ ब्लाइट, तो ये आप देख लोगे। ठीक है, इफेक्ट ऑफ पैथोजन ऑन सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। अब हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, डबल लेयर होती है और लिपिड मॉलिक्यूल से बनी होती है। ठीक है, डबल लेयर लिपिड मॉलिक्यूल है हमारे पास ये, उसके बाद प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेडेड। ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं इसमें एम्बेडेड रहते हैं। हमारे पास तीन तरह के प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इंटीग्रेटेड, पेरिफेरल और पार्शियली इंटीग्रेटेड। ठीक है, पार्ट यूजली प्रोट्रूड ऑन वन और बोथ साइड ऑफ द लिपिड बाइलेयर। ये जो प्रोटीन होते हैं ये प्रोट्रूडेड होते हैं, दोनों साइड भी हो सकते हैं, एक साइड भी हो सकते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन क्या होती हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल होती हैं। ठीक है, सारी चीज़ें इनमें से क्रॉस नहीं कर सकती, छोटे साइज के मॉलिक्यूल आयन ही इनको क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, अलाउ एंट्री ऑफ सब्सटेंस दैट द सेल नीड, सिर्फ जो सेल को चाहिए वही चीज़ इसके मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है। ठीक है, और कोई भी चीज़ इसको क्रॉस नहीं कर सकती, उसको वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, अब इनहिबिट पैसेज आउट ऑफ द सेल, जो सेल से किसी भी कोई जो सेल के लिए रिक्वायर्ड है कोई चीज़, वो सेल से बाहर नहीं जा सकती, ये इस तरह का एक गेट बना होता है। ठीक है, सेल वॉल कीप लार्ज मॉलिक्यूल अवे फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, तो जो बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल है उनको ये सेल वॉल क्या करती है, दूर रखती है। स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल सच एज आयन शुगर एंड अमीनो एसिड फ्लो थ्रू और आर पम्प्ड थ्रू।
द सेल मेम्ब्रेन स्टूडेंट, एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, ये बात नहीं है भी सिर्फ इसमें से कुछ मॉलिक्यूल ही पार कर सकते हैं, इसमें कुछ चैनल्स लगी होती हैं, ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं जिसकी वजह जिनको यूज करके कोई भी मॉलिक्यूल को सेल मेम्ब्रेन के अंदर भेजा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं इफेक्ट ऑन सेल मेम्ब्रेन। तो जब ये पैथोजन का क्या इफेक्ट रहेगा सेल मेम्ब्रेन पे, ठीक है, डिसरप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन अल्टर परमेबिलिटी। अगर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन डिसरप्ट होगी तो परमेबिलिटी पर असर पड़ेगा। ठीक है, अनकंट्रोलेबल लॉस ऑफ यूजफुल सब्सटेंस एंड एंट्री ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। हार्मफुल सब्सटेंस एंटर करेंगे और यूजफुल सब्सटेंस बाहर जाएंगे। मेम्ब्रेन परमेबिलिटी इज ऑफन द फर्स्ट डिटेक्टेबल रिस्पॉन्स ऑफ द सेल टू इन्फेक्शन। ठीक है, ये सबसे पहले ही होता है। अभी परमेबिलिटी चेंज होती है, उसके बाद कुछ दूसरे रिस्पॉन्स हमें प्लांट में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले असर ही मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पे पड़ता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट हैं, सोडियम है, पोटाशियम आयन है, वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, लीक आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अननोन इफ मेम्ब्रेन लीकेज इज प्राइमरी और सेकेंडरी इफेक्ट। ये नहीं हमें पता भी ये प्राइमरी इफेक्ट है या सेकेंडरी इफेक्ट है। इफ डायरेक्ट अटैक पैथोजन प्रोबेबली यूज वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी। ये या तो क्या करेगा, स्टिमुलेट मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम दैट पंप हाइड्रोजन इन एंड पोटाशियम आउट। ठीक है, दूसरा इंटरफेयर विद मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ मेम्ब्रेन फ्लूइड फिल्म। ठीक है, या क्या करेगा, डिग्रेड द लिपिड और प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन। या ये क्या करेंगे, जो प्रोटीन या लिपिड कंपोनेंट है उनको क्या करेंगे, डिग्रेड करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं जहाँ पे हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है इंटरप्ट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास स्क्लेरोशियम रॉल्फ्सी है, बॉटराइटिस है, ये आप कुछ एग्जाम्पल्स देख लेना कौन सी आपको सही लगती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन इज कॉपिंग कोड ऑन डीएनए इनटू एमआरएनए, डीएनए से एमआरएनए बनना। ठीक है, ये डीएनए से एमआरएनए बनना उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। एमआरएनए से आगे क्या बनना, प्रोटीन बनना, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, डिस्टर्बेंस ऑफ एनी द प्रोसेस में इफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन एंड कॉज ड्रास्टिक अनफेवरेबल चेंज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अफेक्टेड सेल। अगर इनमें से दोनों, ये दोनों बड़े स्टैंडर्ड फिनोमिना है जो होते हैं लिविंग सेल में या प्लांट सेल में। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी एक पोर्शन इफेक्ट होता है तो ये सारे का सारा जीन प्रोडक्शन या प्रोटीन प्रोडक्शन ही इफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इफेक्ट ऑन ट्रांसक्रिप्शन। सम पैथोजन चेंज कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ क्रोमेटिड एसोसिएटेड विद सेल डीएनए। ठीक है, ये चेंज कर सकते हैं। वायरस यूजेस होस्ट सेल न्यूक्लियोटाइड एंड मशीनरी टू मेक इट्स ओन आरएनए। या फिर वायरस क्या करते हैं, होस्ट सेल को ले लेते हैं, उसका डीएनए यूज करते हैं और क्या अपना ही जो जेनेटिक मटेरियल है उसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हाईजैक कर लेते हैं वायरस होस्ट सेल के डीएनए को। ठीक है, सम टाइम इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ एंजाइम दैट ब्रेक डाउन द आरएनए, आरएनए को ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हैं। या पैथोजन मे बी फोर्सिंग प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू काइंड ऑफ एंजाइम दैट आर नॉट प्रोड्यूस इन हेल्थी प्लांट। या फिर क्या करेंगे, पैथोजन प्लांट को या होस्ट को इंड्यूस करेंगे भी भाई तू कुछ ऐसा डीएनए या आरएनए या प्रोटीन बना जो नॉर्मल हेल्दी प्लांट में नहीं बनता और वो जीन या प्रोटीन प्लांट के लिए हार्मफुल हो। ठीक है, तो बहुत सारी चेंजेस हैं जो ये पैथोजन क्या करा सकते हैं, प्लांट में करा सकते हैं। ठीक है, इन बायोट्रॉपिक इन्फेक्शन, ठीक है, कैबेज में ये हमें देखने को मिलता है जहाँ पे क्या होता है, होस्ट न्यूक्लियाई एंड जो पैथोजन न्यूक्लियाई है वो इंटरेक्शन करते हैं और नए साइज के हमारे पास प्रोटीन मिलते हैं, नए तरह के उनमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इफेक्ट ऑन ट्रांसलेशन, हाई एनर्जी नीडेड, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इंक्रीज एक्टिविटी इन एंजाइम एसोसिएटेड विद रेस्पिरेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फिनोल और ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोलिक कंपाउंड, ज़्यादा ऑक्सीडेशन फिनोलिक कंपाउंड की होती है। रेजिस्टेंट प्लांट हैव इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस इन फर्स्ट फ्यू मिनट ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, लेवल रिमेन अप टू 20 आर आफ्टर इनोकुलेशन। तो ये क्या है, इनका रेजिस्टेंस जो है ड्यूरिंग फॉर प्लांट टू प्लांट ये क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है, तो कंक्लूजन की अगर बात करें तो कंक्लूजन में हम डिस्कस करेंगे, ह्यूमन एंड एनिमल सर्वाइवल डिपेंड अपॉन द प्लांट ग्रोथ। एग्रीकल्चर द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बिजनेस इज बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू ग्रो एंड कन्वर्ट सिंपल रॉ मटेरियल टू कम्प्लेक्स सब्सटेंस इन ऑर्डर टू सूट ह्यूमन नीड्स। द बायोकेमिकल पाथवे इन प्लांट आर वेरी हाईली इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट
And any disruption represents a loss of control by the host. Even small and localized change may have drastic consequences to the plant as a whole. Pathogens affect plants by inducing changes in its physiological function that lead to different type of symptom and disease. This leads to reduction in quality and quantity of the plant product. So it directly or indirectly affects over crop economy. So सीधी सी बात है, अगर प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन है तो सिम्टम आएंगे, प्लांट का जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो डिस्टर्ब्ड होगा तो उसकी प्रोडक्शन जो है क्या हो जाएगी, कम होगी। अगर किसी भी तरह प्लांट की प्रोडक्शन कम होती है तो उसका नुकसान किसको देना है, उसका नुकसान हमें देना है, क्योंकि डायरेक्टली हम किस पे डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे, ठीक है। तो ये सारे का सारा हम देखा, ये सारे का सारा कंक्लूजन रहेगा इसमें। तो आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।